subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 और एसएससी अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है, मौर्य डायनेस्टी के ऊपर है। तो दोस्तों यार, मौर्य की बात जहां से शुरू होती है ना, वहां हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर ये मौर्य डायनेस्टी भारत में आई कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका फाउंडर कौन था। फाउंडर के भैया बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्या चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत वहीं से हुई जहां से हम पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग पढ़ने तो बिल्कुल मौर्य डायनेस्टी जा रहे हैं। कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? मौर्य वंश। लेकिन दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में एक बेहतरीन जानकारी पहले जुड़ाएंगे और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो बेहतरीन जानकारी क्या जुटानी है दोस्तों? सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत पे 326, देखो इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ, वहां से समझेंगे। 326 ईसा पूर्व, भारत पे 326 ईसा पूर्व किसने हमला किया था दोस्तों? सिकंदर ने। सिकंदर 26 ईसा पूर्व हमला किया था। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये सिकंदर की लड़ाई किससे दोस्तों हुई थी? पोरस से। ये बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी है, यदि मौर्य वंश पढ़ना है तो यहां से शुरुआत करनी होगी दोस्तों। अब ये सिकंदर पोरस से युद्ध लड़ा। इस युद्ध को जो विदेशी राइडर है दोस्तों, कुछ हिंदुस्तानी राइटर तो बितस्ता का युद्ध या फिर इसे हम झेलम का युद्ध भी कह देते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? झेलम। बितस्ता झेलम नदी का ही पुराना नाम है, क्लियर है दोस्तों। और विदेशी राइटर इस युद्ध को किस रूप में देखते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध, अब जरा समझना, हाइडेस्पीज युद्ध, ठीक है? विदेशी राइटर इसे क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध, क्लियर है? हाइडेस्पीज का युद्ध। अब ये जो हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी जरा वो देखना। हाइडेस्पीज के युद्ध में आपके ये दोनों जब लड़े थे तो सिकंदर की सेना, जो सिकंदर की सेना थी उसमें एक बड़ा प्रतापी योद्धा टाइप का, सेना टाइप का हुआ करता था सिकंदर की सेना में। और उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? सैंड्रोकोटस। सिकंदर की सेना का नाम क्या था? सैंड्रोकोटस, ठीक है? और कुछ विदेशी इतिहासकार कहते हैं या सैंड्रोकोटस या उसका नाम हुआ करता था एंड्रोकोटस। ध्यान से सुनना, कुछ नई जानकारी मिलेगी दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको नई जानकारी दूंगा। या उसका नाम क्या हुआ करता था? एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस या एंड्रो। इन ये जो व्यक्ति था सिकंदर की सेना की तरफ से पोरस से लड़ा, कई दिन युद्ध चला, युद्ध लगभग अनित्रीड स्थिति में समाप्त हुआ। न ही सिकंदर को जीता हुआ माना गया, न ही पोरस को। हालांकि अलग अलग इतिहासकार अपने हिसाब से अलग अलग इसकी व्याख्या देते रहते हैं। खैर, अब जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो 326 ईसा पूर्व के बाद सिकंदर कहां? अपने घर बेबीलोन वापस लौटते समय। किस जगह पे? बेबीलोन। यह जगह मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यह सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेबीलोन नामक जगह 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये देखो, 26 में लड़ा, 23 में मरा, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात हो रही। अब इस सिकंदर की मृत्यु कहां हो गई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। और हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिकंदर की तरफ से ये जो सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से व्यक्ति लड़ा था वो कोई और नहीं, कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। अब इस युद्ध के बाद कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसकी ख्याति इतनी फैल गई जो चंद्रगुप्त मौर्य की, कि वो कहां तक पहुंची? चाणक्य के, विष्णुगुप्त के, कौटिल्य के कानों तक पहुंच गई। और इधर कौटिल्य, तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य इधर शुरुआती दिनों में इसकी तरफ से लड़ रहे थे। और इधर मगध पे, जो उस समय भारत के 16 महाजनपदों में एक था, वहां पे क्या चल रहा था जरा वहां पे देखेंगे। 16 महाजनपदों में दोस्तों, 16 महाजनपदों में एक बड़ा महाजनपद हुआ करता था और उसका नाम क्या था दोस्तों? मगध। और मगध पे उस समय किस वंश का शासन हुआ करता था? नंद वंश का। और नंद वंश का जो आखिरी शासक हुआ करता था, दैट वाज घनानंद। अब ये घनानंद ने किसका अपमान कर दिया था? चाणक्य का। ये बड़ी जनरल बातें हैं, ये आप जानते हो। घनानंद ने किसका अपमान किया? चाणक्य का अपमान किया।
अब जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने तो आप जानते हो बदला लेने की ठान ली, और बदला लेने की ठानी तो चाणक्य की नजर में कौन आया? सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस उर्फ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने घनानंद को बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को और ज्यादा ट्रेंड किया, और ज्यादा सुशिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, और उसको किसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया? नंदवंश के आखिरी शासक घनानंद के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब जब घनानंद के अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य खड़े हो गए तो अब उन दोनों के बीच में युद्ध कोई टाल ही नहीं सकता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस घनानंद एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में घनानंद क्या हुए? हार गए और मारे गए। और इस तरीके से जिस मगध के ऊपर नंदवंश का राज चल रहा था, अब उस मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से कौन सा राजवंश स्थापित कर दिया? मौर्य वंश। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, यहां अभी भी सिकंदर लिखा हुआ, एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन और दे दूं यार, कि जैसे भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है, उसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री में सिकंदर का जो घोड़ा हुआ करता था दोस्तों, उसका नाम था बुकाफेलस। याद रखना, क्योंकि एक बार सीजीएल के पेपर में पूछा है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेलस हुआ करता था दोस्तों। हमेशा याद रखना, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस था, और भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप के फेमस घोड़े का नाम चेतक हुआ करता था। तो जुड़े रहिए भैया, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चूंकि आज कॉन्सेप्चुअल लेवल लेक्चर है तो कमेंट बॉक्स में उतना जाने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत ध्यान से सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सुनते रहें लेक्चर को। तो दोस्तों अब इस तरीके से मौर्य वंश का मगध के ऊपर क्या हो गया? कब्जा हो गया। अभी तक मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरह मगध के ऊपर मौर्य वंश आया। अब जरा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि डिटेल में कैसे मौर्य वंश ने राज किया, किसके ऊपर? आपके मगध के ऊपर। अब मगध का फाउंडर कौन हो चुका था दोस्तों? मगध का फाउंडर हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन हो चुका था? फाउंडर। और इसने मगध के ऊपर किस सन में राज करना शुरू किया? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में कहां पे इसने शासन? मगध पे शासन शुरू किया। जैसे ही दोस्तों इसने मगध पे शासन शुरू किया तो इसको ये महसूस होना, धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो गया कि जो कुछ भी है वो चाणक्य ही है, मेरी तो कुछ चल ही नहीं रही है। खास करके तब दोस्तों जब 305 ईसा पूर्व, देखो 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ, धीरे धीरे इसके दिमाग में, चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में ये बात घर करने लगी कि चाणक्य ही डिसाइड करता है कि सैनिक कितने होंगे, सैलरी कितनी होगी, किसकी पदोन्नति होगी, किसकी नहीं होगी, ये सब चाणक्य डिसाइड करा है, मेरा मतलब तो कुछ रह ही नहीं गया है। अब ये बात इसके दिमाग में घर करती गई, और ये बात उसको उस समय और ज्यादा चोट पहुंचाई जब 305 ईसा पूर्व में इसी सिकंदर का दोस्त, एक्चुअली सिकंदर का दोस्त जिसका नाम क्या था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। अब ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसने भारत पे 305 ईसा पूर्व में हमला किया। क्यों हमला किया इसने? क्योंकि सिकंदर के चार दोस्त हुआ करते थे। एक दोस्त का नाम था दोस्तों निर्याकस, एक दोस्त का नाम था दोस्तों यही सेल्यूकस निकेटर, एक दोस्त हुआ करता था इसका दोस्तों हेरोडोटस, और इसका एक दोस्त हुआ करता था हिकेटियस। कौन सा हुआ करता था? हिकेटियस। क्लियर है? हिकेटियस इनके एक दोस्त हुआ करते थे, हिकेटियस। पहला कौन सा? हिकेटियस। एक दोस्त हुआ करता था हिकेटियस, हेरोडोटस, निकेटर और निर्याकस। जब किसकी मृत्यु हुई थी? आपके सिकंदर की मृत्यु थी। अगर ये सिकंदर का पूरा राज मान लिया जाए तो इसका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो इसने अपने पूरे क्षेत्र को इन चार दोस्तों में डिवाइड कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? इसका निर्याकस, एक बार सीजीएल ने पूछा था कि सिकंदर का जल सेनापति कौन हुआ करता था, तो सिकंदर का जल सेनापति कोई और नहीं, निर्याकस ही हुआ करता था, याद रखना। तो सिकंदर ये मान लो आ गया सेल्यूकस निकेटर के लिए, ये मिल गया निर्याकस को, ये हेरोडोटस को, ये का। तो सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में वो आया जिधर क्या हुआ करता था? भारत का क्षेत्र हुआ करता था। तो सेल्यूकस निकेटर ने ये ठाना कि जो काम मेरे दोस्त ने नहीं पूरा किया, भारत विजय नहीं कर पाया, वो काम मैं पूरा करूंगा, और उसे क्या करूंगा? उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। तो इस चाहत में सेल्यूकस निकेटर ने भारत के ऊपर हमला कर दिया,
और भारत का सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्व बहुत ज्यादा था। अब सेल्यूकस निकेटर, जब सिकंदर हमला किया उस समय कौन सा वंश राज कर रहा था भारत पे? नंद वंश। परिस्थितियां अलग थी, लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर भारत पे हमला किया तब राज कौन कर रहा था दोस्तों? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहीं ज्यादा बलशाली, बुद्धिमान और चाणक्य जैसा प्रधान सेनापति या प्रधान कुलगुरु इसका हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में हारा कौन? सेल्यूकस निकेटर। अब जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से यह युद्ध हार गए, सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से यह युद्ध हारे, तब देखो क्या स्थिति बनती है। तब सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की हुआ करती थी, सेल्यूकस निकेटर की लड़की जिसका नाम हुआ करता था कर्नेलिया या फिर हेलेना। कर्नेलिया, कुछ किताब क्या लिखते हैं? हेलेना, ठीक है, कर्नेलिया या हेलेना, इससे किसका विवाह हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है कि सेल्यूकस निकेटर की लड़की का विवाह चंद्र, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की लड़की का विवाह किसके साथ हुआ? सेल्यूकस निकेटर के, और अपने अपने तर्क हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चार प्रांत कौन कौन से युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए? काबुल, कंधार, देखना क्या हुआ था, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और दोस्तों हेरात, ये चार प्रांत ऐसे थे। काबुल, ये सीजीएल पूछा है कि कौन कौन से प्रांत दिए थे, ये चार प्रांत ऐसे थे जो सेल्यूकस निकेटर ने कंपनसेशन ऑफ वार, युद्ध के हर्जाने के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और जब अभी ये मान के चलते हैं कि इसके लड़की की शादी इसके साथ हुई थी, तो सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य अब सेल्यूकस निकेटर के दामाद भी हो गए अगर राइटर्स की बात मानी जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी का उपहार दिया था, 500 हाथी का उपहार दिया था। यह तो एक कहानी है दोस्तों। अच्छा, यह पूछता भी है कि 500 हाथी का उपहार किसने किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। और काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, इन चारों प्रांतों को सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध के हर्जाने के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि देखो सेल्यूकस निकेटर ने ये चारों प्रांत दहेज में दिया था क्योंकि उसकी लड़की कर्नेलिया के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के परिचय की लड़की थी कर्नेलिया, उसका मतलब परिचय पुत्री समान थी वो, उसका विवाह किया सेल्यूकस निकेटर के साथ और उस हर युद्ध कह रहा हूं दहेज के रूप में 500 हाथी किसको दिए? सेल्यूकस निकेटर को। एक्चुअली जानते हो ये 500 हाथी क्यों दिया था यार? सिकंदर की सेना जब भारत पे हमला की थी तो उस सेना ने, ग्रीस की सेना ने पहली बार हाथी जैसा जानवर देखा था। और संभवतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यदि पोरस की सेना में हाथी नहीं हुई होती तो ये आज इतिहास और होता और मैं भी यहां कुछ और पढ़ा रहा होता। खैर दोस्तों, 500 हाथी, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो अच्छा एक बार आपके सीडीएस के या एनडीए के पेपर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पूछा था कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को कंबाइंडली किस रूप से जानते हैं? तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को दोस्तों कंबाइंडली एरियाना प्रांत के रूप में जानते हैं। एरियाना प्रांत याद रहेगा ना दोस्तों, एरियाना प्रांत। यदि कभी पूछे कि इन चारों प्रांत को इकट्ठा रूप से हम किस नाम से जानते हैं, तो एरियाना प्रांत के रूप से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? अब एक फेज ये। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया हुआ था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, एक एक पॉइंट को अलग अलग बाइफरगेट करके सुनते रहो तो समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया हुआ था दोस्तों? मेगस्थनीज। यह भी पूछता है कि मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ये जो मेगस्थनीज विदेशी ट्रेवलर था, इसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी दोस्तों, और इसकी बुक का नाम क्या था? इंडिका। और इस इंडिका की दो बातें पूछता है, इस इंडिका की, ये मेगस्थनीज की क्या थी दोस्तों? बुक हुआ करती थी, किताब हुआ करती थी। अब इस इंडिका बुक में मेगस्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था दो बातें लिखी है कि भारत 7 उपवर्गों में बटा है, जो मौर्य वंश है वो 7 उपवर्गों में बटा है, 7 उपवर्गों में बटा है। एक तो ये इसने कहा था, दूसरा इसने कहा था भारत में गुलामी या दास्ता नहीं है, गुलामी
या फिर दास्ता नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ऐसा इसने कहा था, जो दोनों ही बातें गलत थी। अगर आपसे पूछे 7 उपवर्गों में बटा है भारत या मौर्य वंश, ऐसा किसने किस किताब में लिखा है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। अगर आपसे पूछे कि किसने लिखा है कि भारत में मौर्य वंश के समय गुलामी या दास्ता या फिर क्या कह सकते हैं बेरोजगारी नहीं थी, तो दोनों ही बातें इंडिका में मेगास्थनीज। हालांकि दोनों ही बातें गलत हैं। मौर्य प्रशासन के समय गुलामी भी थी, नौकर भी थे, और भारत कोई 7 उपवर्गों में नहीं बटा हुआ था। तो एक इनका फेज सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस वाला, एक इनका फेज सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई वाला, एक इनका फेज मेगास्थनीज के साथ, और एक इनका फेज जरा आ जाते हैं दोस्तों चाणक्य के साथ। देखो चाणक्य, चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा गया, विष्णुगुप्त भी कहा गया, कौटिल्य भी कहा गया, कौटिल्य भी कहा गया इसे। और इनकी जो फेमस बुक है दोस्तों वो कौन सी है, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है, राजनीति पे लिखी गई ये प्रथम किताब है। बुक का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र बुक का संबंध, जो चाणक्य की प्रसिद्ध किताब है उसका संबंध किससे है दोस्तों, पॉलिटी से है, राजनीति से है, राज प्रशासन से है। क्लियर रहेगा, याद रखना आने वाले दिनों पे, आज कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा हूं मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओके लिखते रहना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आने वाले दिनों पे इसी पे एमसीक्यू लेके आऊंगा 3 दिन, एक दिन मौर्य पार्ट 1, मौर्य पार्ट 2, मौर्य पार्ट 3 के नाम से एमसीक्यू चलेगा, तब इन सारे लाइनों की आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और एग्जाम में तो पढ़ती ही पढ़ती है। तो क्लियर है मेरे दोस्तों, माय डियर वॉइस वगैरह सब बहुत बेहतरीन क्लियर जा रहा है, तो जुड़े रहिएगा, लेक्चर को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, क्लियर है दोस्तों। अर्थशास्त्र नाम की इस व्यक्ति ने क्या लिखी बुक, अब देखो इसके लाइफ का एक अलग पहलू। एक्चुअली जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी दिनों में, जीवन के आखिरी दिनों में इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, कि इसका इंटरेस्ट एक ये भद्रबाहु नाम के व्यक्ति से मिला। भद्रबाहु क्योंकि मगध में सूखा पड़ गया था, इस भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, जैन धर्म की दीक्षा ले ली, और ये भद्रबाहु उसको लेके कहाँ चला गया, एक प्लेस कर्नाटक में जिसे कहा गया स्वर्ण बेलगोला। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से परेशान चल ही रहा था, और ऐसी स्थिति में चाणक्य ने उसे कई बार समझाया कि देखो तुम हिंदू धर्म को न छोड़ो, तुम कोई दूसरा धर्म न स्वीकार करो, हिंदू धर्म की अपनी खूबसूरती है, अपनी चीजें हैं। लेकिन चाणक्य, ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आ नहीं रही थी। तब चंद्रगुप्त मौर्य कहां पहुंच गए, ये जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य साहब पहुंच चुके थे स्वर्ण बेल गोला, और इस स्वर्ण बेल गोला में जाकर के, कर्नाटक में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने एक योग किया, एक प्रकार का योग या फिर व्रत, सलेखना किया, और इस सलेखना एक प्रकार का जैन धर्म में किया गया योग या व्रत है, जिसमें आप भूखे प्यासे रहकर तब तक ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करते हो, पूजा करते रहते हो, अर्चना करते रहते हो, जब तक कि आपको ईश्वर मिल ना जाए। अब ईश्वर कब आपको मिलेंगे कब नहीं, यह तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रह जाओगे तो शायद आपका मृत्यु हो जाए। तो सलेखना नामक योग करते समय चंद्रगुप्त मौर्य की कब मृत्यु हो गई दोस्तों, 298 BC में मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो इसके बाद शासक कौन बना, इसके बाद शासक बना था इसका लड़का बिंदुसार। क्लियर है दोस्तों, तो जरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बार दोहरा लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पॉइंट वाइज दोहराएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोहराने में, 323 ईस्वी में राजा बना, घनानंद की हत्या किया हुआ था, उसके बाद फिर इसने 305 BC में युद्ध लड़ा, सेल्यूकस निकेटर को हराया, कर्नेलिया या हेलना से विवाह किया, 500 हाथी का उपहार दिया, और मकरान, हेरात और आपके काबुल और कंधार जिसे एरियाना प्रांत कहा गया, उन प्रांतों को इसने युद्ध के हर जाने का स्वरूप लिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। मेगास्थनीज जिसके समय आया था, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी, और इंडिका में दो बातें बड़ी फेमस है, जो पूछता है कि भारत 7 उपवर्गों, मतलब मौर्य वंश 7 उपवर्गों में बटा हुआ है, तथा साथ ही साथ दोस्तों क्या एक चीज और, कि आपका भारत में गुलामी, दास्ता या मौर्य वंश के समय बेरोजगारी नहीं थी। फिर 298 BC में स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और सलेखना करते हुए 298 BC में किसकी मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की 298 BC में दोस्तों मृत्यु हुई, तो अगला शासक कौन बना, इसी का लड़का बिंदुसार। क्लियर है मेरे दोस्तों, तो मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार बहुत छोटा है दोस्तों, तो चलिए बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जरा रोकेंगे इस लेक्चर को। बिंदुसार, अब देखो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका लड़का कौन शासक बना, बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों शासक बना 298 BC में, और कब तक बना रह गया,
272 BC तक। इस बीच में इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण उपाधि मिली जो सीजीएल रेलवे हर एग्जाम में पूछता है, वो उपाधि थी दोस्तों अमित्रघात की, या फिर इंग्लिश में कहें तो एमेट्री कोटस की। पूछता है कि अमित्रघात क्या होता है। अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं का विनाशक, जो अपने शत्रुओं को क्षमा न करे उसे क्या कहा जाता है, अमित्रघात, शत्रुओं का विनाशक या फिर एमेट्री कोटस। उसके अलावा इस चंद्र बिंदुसार को दोस्तों दो समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है, दो इधर बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, बीच के सारे जगहों को इसने जीत लिया था, तो इसे दो समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, अमित्रघात दो समुद्रों का विजेता। इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, उसने तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और बिंदुसार ने दोस्तों कौन सा धर्म स्वीकार किया, तो बिंदुसार ने जिस धर्म को स्वीकार किया उसका नाम था आजीवक। कई बार पूछता है कि आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को स्वीकार करने किसने किया था, बिंदुसार ने। तो एक बार आपसे यह भी पूछा है कि आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन थे, जैसे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हैं, जैन धर्म के आपके ऋषभ देव हैं, तो इसका कौन है, तो मखली घोषाल। मखली घोषाल कौन है, इसका संस्थापक, या फिर यहां लिख दे रहा हूं छोटे में फाउंडर। फाउंडर कौन था आपके, मखली घोषाल था, आजीवक संप्रदाय का। कई बार पूछता है दोस्तों, बिंदुसार बहुत लंबा चौड़ा समय तक शासन नहीं किया, बड़े शांति से इसने राज किया है, और उसके अलावा यही दो तीन बातें बस बिंदुसार से पूछता, आजीवक, मखली घोषाल, बिंदुसार, अमित्रघात। हाँ, बिंदुसार के समय इसके सिंघली अभिलेख के अनुसार इसके 100 पुत्र हुआ करते थे, तो अन्य अभिलेखों के अनुसार इसके 5 पुत्र हुआ करते थे। इसके 5 पुत्रों में इसका एक पुत्र सुसीम बड़ा फेमस था, और एक इसका पुत्र अशोक बड़ा फेमस था। मेनली हम लोग को दोस्तों मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ना पड़ता, अशोक। तो हुआ क्या कि बिंदुसार के समय एक जगह था तक्षशिला, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जो प्रमुख बातें दोस्तों वो बता रहा हूं। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो पहले इसने सुसीम को भेजा कि जाओ विद्रोह दबा दो, लेकिन सुसीम विद्रोह दबाने में सफल नहीं हो पाए, तो फिर बाद में इसने किसको भेजा, बाद में भेजा अशोक को, और अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया। तब इसने अशोक को खुश होकर के तक्षशिला का राज्यपाल, तक्षशिला का क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया, किसको, अशोक को। क्यों, क्योंकि अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया था। अशोक के तक्षशिला विद्रोह दबाने से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का जिस समय राज्याभिषेक हुआ उस समय अशोक कहां का गवर्नर था, अवंती, अवंती मतलब आधुनिक उज्जैन साइड का गवर्नर था, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है। क्लियर है दोस्तों, और 298 से 272 तक बिंदुसार ने राज किया हुआ था। क्लियर है, तो दोस्तों आज बस चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, और संभवतः अशोक पे बात किया जाएगा। जुड़े रहना, क्योंकि मौर्य वंश में तीन ही फेमस राजा हुए हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार और एक अशोक, सबसे ज्यादा फेमस अशोक। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।